पैराग्लाइडिंग करने के लिए तो रास्ता ये है। This could be good for me. लगे इसलिए हम रुक, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा खाना। ये गाइस हम लोग लेट हो गए थे इसलिए हमने एक होटल लिया है जहाँ अभी हम रुक गए हैं, तो मैं आपको इसका रूम दिखा देती हूँ। गाइस ये हमारा होटल है जहाँ हम रुके थे और यहाँ से व्यू देखो। अभी हमारा चेकआउट का टाइम तो नहीं हुआ पर हम चेकआउट कर रहे हैं। कहीं सामने किसी का घर है बहुत प्यारा सा। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, होप ये खुल जाए। ओ ये खुल गया एंड गाइस बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। आप यहाँ का एरिया देखो, इस जगह का नाम है बैजनाथ। यहाँ पे बैजनाथ जी का टेंपल है जिसकी वजह से ये जगह जानी जाती है। तो टेंपल तो अभी हम नहीं जा पाए पर हम जाएंगे ज़रूर, तो मैं आपको वो भी पक्का दिखाऊंगी जब हम टेंपल जाएंगे। तो अब देखो निकल चुके हैं मनाली के लिए और ये है मनाली की वादियाँ, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान। और चलिए हमारे साथ आइए शुरू करते हैं। कुछ भी कुछ भी। मंडी का व्यू है, लोगों के घर बड़े प्यारे लग रहे हैं यहाँ से, रेड 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 रेड। तो अभी हम निकले कुल्लू के लिए, कुल्लू पहुंच के फिर हम पहुंचेंगे मनाली।
बात पे दो ताली, इसी बात पे दो ताली। माय बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। मेरे से वीडियो भी शूट नहीं हो रहा है। ये रोड मतलब इतना डेंजरस रोड है और अभी हमने रास्ते में देखा बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत डर गई हूँ। तो अभी हम एक ब्रिज पे पहुँचे हैं, आगे से रास्ता जगह का नाम है, यहाँ का क्या नाम है, कमाद कमाद समथिंग नाम है यहाँ का। और मेरे को बहुत डर लग रहा है, बट इट्स ऑल राइट। गाइस हम लोग इस समय लाइक हिमालय के ऊपर हैं। अब लोग जो उनकी इस समय हालत हो रही है वो बताएंगे आपको। सनी देओल बताइए। सनी देओल पहले धर्मेंद्र को बोल रहे हैं, हाँ बाबा जी इतना रोड टाइट है, मोड़ पे मोड़ पे मोड़ आ रहे हैं, पर मनाली नहीं आ रहा बाबा जी। Years later. समझ रहे हो ना। Thank you.
like a Hellcat.